सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक मुर्रा का बुल देख रहे हैं, हरियाणा मुर्रा की कहानी। ऐसे ही नहीं है, यहाँ के पशुपालक है कटड़े और कटड़ी बड़े चाव से पालते हैं। तो ये जो बुल है, इस बुल की उम्र कितनी है, इसकी माँ के दूध का कितना रिकॉर्ड है, और इस बुल को डाइट में ये क्या खिलाते हैं, और कहीं मेले कंपटीशन में भी इस बुल को लेकर गए हैं क्या, इस तरह की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिलाऊंगा, ताकि नए पशुपालकों को भी कुछ अंदाजा हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम बता दीजिए प्लीज। पहले तो राम राम भाई साहब। सुरजीत जी, गांव में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। और नाम है भाई साहब मेरा करमवीर, जिला गाँव बागपुर, जिला झज्जर। जिला झज्जर, राज्य हरियाणा। हरियाणा। तो करमवीर जी, ये बुल आपने शौक से पाल रखा था, सबसे पहले तो इसकी उम्र बता दीजिए कितनी उम्र हुई है। भाई साहब एक तो ये शौक के लिए पाल रखा है, और इसकी उम्र हुई है 20 तारीख ने 23 महीने। 23 महीने। हाँ। तो इसकी माँ के दूध का भी कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? भाई रिकॉर्ड करवा नहीं रखा है, वैसे 21 किलो 200 ग्राम। 21 किलो 200 ग्राम। हाँ, रिकॉर्ड कहीं कराया नहीं? ना रिकॉर्ड नहीं करवा। नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि रिकॉर्डिंग वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर की जो रिकॉर्डिंग होती है सबसे अच्छी होती है। तो दूसरी बात पूछूंगा कि ये इसका बाप कौन है जी? बाप है इसका भीमबुल, राजस्थान वाला। अच्छा, उसका सीमन रखवाया था। तो इसकी माँ भी आपके पास है? इसकी माँ हाँ हमारे पास में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अपना घर का खरना है ये कह सकते हो? घर का है जी। तो अब दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इसको डाइट में क्या क्या खिलाते हो, थोड़ा सा घुमाते रहो। हाँ जी। इसको डाइट में भाई साहब एक तो चने दड़कन है। अच्छा। और गेहूं का दलिया और कुछ बंदोले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये खवावे हैं, ये तीन मुख्य चीज है। हाँ। और गाय है कुछ भाई, एक खड़का गाय का दूध पिला दे 100 किलो 1 किलो जो भी है वो प्यादे हैं। दोस्तों खड़का मतलब है टाइम, देसी गाय है ना? साहीवाल गाय है, तो उसका बोलते हैं दूध अभी पिलाते इसको? हाँ अब भी पिलावा है जी। और ये साथ में ये डाइट देते हो चना? हाँ। गेहूं का दलिया और बिनोले बिनोले बिनोले। हाँ। अच्छा, अंदाजा ही बताओगे थोड़ा सा, एक टाइम का कितना दे देते हो? ये एक टाइम का दे है जी करीब 2.5-3 किलो। 2.5-3 किलो एक टाइम का? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो भाई साहब कहीं मेले वगैरह में भी लेकर गए हो इसको आप? हाँ मेले में गए हैं भाई साहब, धनोला गए थे। अच्छा। वहाँ कॉन्सुलेशन में था, और कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ सेकंड पोजीशन थी इसकी, और मैम कॉन्सुलेशन में था। मैम लेके गए थे? मैम भी लेके गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या था यो पल्ला का देव काटना ले? अच्छा अच्छा। मैम कंसोलेशन में था, तो ये मैम कंसोलेशन में किस वजह से रहा, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ फर्स्ट रहा वहाँ सेकंड रहा, कोई बात नहीं आप बता दो। कॉन्सुलेशन में वहाँ तो भाई साहब सारी फरोड़बाजी थी मेले में। अच्छा। वो जज थे कुरुक्षेत्र भी और यहाँ भी वो जज थे। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा और घुमा लो आप। हाँ घुमा लो, इसके टेस्टिकल भी दिख जाए। हाँ बताते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है। और जो जज थे वहाँ पे पक्षपात चल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जो उनके आदमी थे उनने के फर्स्ट सेकंड रवे करे गए थे, बाकी उनने बताया भी यो एक पूछ का पॉइंट बना रहे थे मारे का। अच्छा अच्छा। हाँ एक पूछ सफेद ज्यादा है, ये है 4 इंच। अच्छा। ये तो नापने की चीज है, कोई वो तो है नहीं, भाई गड़बड़ तो है नहीं, गड़बड़ जाएगा। हाँ हाँ। और मुर्रा में 6 इंच भी अलाउड है, लेकिन घुटने से नीचे होने चाहिए, और इसकी घुटने से नीचे है पूछ भी। अच्छा अच्छा, ये टेक्निकल बात आप बता रहे, क्योंकि पूछ घुटने से नीचे होनी चाहिए। हाँ घुटने से सफेद 4 इंच तक होनी चाहिए। सफेद 6 इंच तक अलाउड है मुर्रा में। 6 इंच तक। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए दोस्तों, ये दिखने में बालों के हिसाब से हाँ ठीक है, घुटने से नीचे है और 4 इंच इसकी सफेद है। हाँ ये तो फीता मारा था उनने, जो जज थे उनने कुरुक्षेत्र भी फीता मारा था और यहाँ भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। पर बाकी अड़ा सिफारिश ज्यादा चल रही थी इसलिए निकाल दिया, कंसोलेशन में कर दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो भाई साहब कितने साल से ये शौक है आपको खानदानी, जैसे हरियाणा में तो पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी हमारी भैंसे हम पालते आ रहे हैं, तो आपने अभी स्टार्ट किया है या पारिवारिक शुरू से ही अपने घर के लोग रखते हैं? पशु तो बचपन से रखे हैं, परिवार वाले भी रखे हैं, पर बाकी जब तो कारडा
होया है, सिमन रखवाया था उसके बाद भाई काटने का भी शौक से, इसलिए और थोड़ी जागरूकता भी बढ़ी है और जागरूकता सी होगी थी। तो कटड़े के अलावा और भी भैंसे रखते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल, और भी भैंस है। लगभग अंदाजा पूछूं तो कितने से कितने दूध तक की भैंस आपके पास रहती है? भाई मारे दौरे एक है वो खरने की, सारे उससे के हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसकी जो खार की ब्याह होगी ना उसका भी 15 एक का 18 कुछ था, और दूसरी का था ये 15 किलो। अच्छा अच्छा। और ये खार की और ब्याह होगी 4 महीने बाद। दोस्तों खारकी का मतलब जो हरियाणा से बाहर के लोग, बीच में सर को एक बार रोकना चाहूंगा, खारकी का मतलब है फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट टाइमर होगी उसको खारकी बोलना है अपना। और ऐसे जिसको हम खरना बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, उसको बोलते हैं ब्लड लाइन। हाँ ब्लड लाइन। तो ये हमारे हरियाणा के हर तीसरे घर में ऐसी ऐसी ब्लड लाइन हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखी है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़ी सी आगे आने लगी, अन्यथा हम भी कभी से सुनते आ रहे हैं कि हमारे खरने की है, वो उसका खरना चला आ रहा है, तो उसी उसको हम ब्लड लाइन आज की भाषा में आप समझो। हाँ जी हाँ, ये मारी तो भाई एक खरने की है, वह बुढ़ी भैंस से सारी उससे की है ये। सबके सब यो काटा भी उसी लाइन का है, और जो अपने पास खार की जोटी है उसने 18+ दूध दिया था। अच्छा बहुत बढ़िया, कम नहीं मरना है। और इसकी माँ का भी जो बताया आपने 21 किलो 200 ग्राम दूध था। हाँ कौन से ब्यात में था इसकी माँ का? इसकी माँ का था वो दूसरे ब्यात में। दूसरे ब्यात में। हाँ ठीक। और इसकी जो बाण है उसकी लाइव मिल्किंग चलावांगी ब्याह होगी जब, उसमें और पता चल जाएगा, ये कोई फिर सपोर्ट देने की जरूरत ना रहा है। ठीक बात, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो भाई साहब आपका गांव बागपुर, हाँ जिला झज्जर राज्य हरियाणा, तो कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करे? उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दोबारा बताओ प्लीज। आप एक बार एड्रेस बता दो। करमबीर गांव बागपुर जिला झज्जर हरियाणा। हाँ जी हाँ जी। और मोबाइल नंबर है 94164-99535। तो इस पर व्हाट्सएप भी इसी पर चालू है? हाँ इसी पर व्हाट्सएप है। और कोई भाई कभी भी फोन कर सकता है, फोन करने का टाइम है, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग रात को न देसी भाषा में बोलूं तो पौवा मार के 10 बजे 11 बजे फोन करें। परेशान करने का देखो फायदा कौन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों मैं बेचता हूँ नहीं तो भैंस बेच रहा और नहीं मैं काटड़े ने बेच रहा हूँ। हाँ सही बात है, तो फिर परेशानी बिना बात। तो, बाकी किसे और कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना लेनी है या सही बात करनी है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। बिल्कुल जी। तो करमबीर जी इतना अच्छा पशुधन आप तैयार कर रहे हैं, हाँ जी, भगवान से विनती करता हूँ कि खूब आगे आपका पशुधन आपका नाम कमाए, आगे तक लेकर जाए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद। राम राम जी। जय जवान जय किसान। करमबीर जी राम राम। राम राम जी। राम राम।